हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ध्यान से देखिए, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2016 का है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें दिया गया है ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल है इज कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दैट इज के टू ए रिजिड वॉल एंड मूव्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस द ब्लॉक ऑसिलेट विथ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड दैट इज कैपिटल ए अबाउट एट इक्विलिब्रियम पोजिशन एक्स नॉट। कंसिडर द टू केसेस। फर्स्ट केस कह रहा है कि वेन द ब्लॉक इज एट एक्स नॉट, मतलब जब वो ब्लॉक एक्स नॉट पोजिशन पे है तब बताइए। और दूसरा मैं आपसे कह रहा है कि वेन द ब्लॉक इज एट एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स ए प्लस कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड है। इन बोथ केसेस ए पार्टिकल विथ मास सो स्मॉल एम इज लेस देन कैपिटल एम, जो कि आपको समझ में भी आता है कि वो उसके ऊपर जेंटली प्लेस्ड, तो ये यहाँ सॉफ्टली प्लेस्ड रहे या जेंटली प्लेस्ड रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये सॉफ्टली प्लेस्ड है ऑन द ब्लॉक आफ्टर विच दे स्टिक टू इच अदर द मोशन आफ्टर द मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन कैपिटल एम, तो उसका मोशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब हाल फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें दो पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू। जब ब्लॉक एक्स नॉट पोजिशन पे है और जब ब्लॉक पे क्या कर रहे हैं, स्मॉल एम का ऑब्जेक्ट जेंटली प्लेस्ड कर रहे हैं, सॉफ्टली या जेंटली प्लेस्ड कर रहे हैं, तो आप बताइए कि उसका मोशन कैसा होगा। उसका मोशन SHM होगा तो बताइए, उसका एम्पलीट्यूड बताइए, टाइम पीरियड बताइए, यही चार ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि एक कैपिटल एम है, आप ऐसा समझिए, क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है कि एक तरफ तो हम वॉल से कनेक्टेड किए हैं और एक तरफ हम उस मासलेस स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिए हैं और ये ब्लॉक है और फ्रिक्शन विक्शन का कोई टेंशन लेना नहीं है, विदाउट फ्रिक्शन है, यानी कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यानी कि फ्रिक्शन का कोई टेंशन नहीं, यानी म्यू डेट इज इक्वल टू जीरो। सो दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, बेसिकली दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब क्या कह रहा है कि जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ऑफकोर्स दैट इज एम्पलीट्यूड ए। तो ए ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, और वो कब की बात कर रहा है, जब वो इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है। तो ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजिशन पे इसमें इसका स्मॉल एम्पलीट्यूड है और इसका जो पोजिशन है तब का पोजिशन दैट इज एक्स नॉट। तो कह रहा है कि दो केस है, जब ब्लॉक इज एट एक्स नॉट पोजिशन और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर सॉफ्टली या जेंटली प्लेस्ड, जब पेशी वर्मा क्वेश्चन करवाते थे तो वहां लिखा हुआ था जेंटली प्लेस्ड, अब क्या है सॉफ्टली प्लेस्ड, इस पे हम कर दिए और इसका मास स्मॉल एम है और इसका एम मास कैपिटल एम है। तो यहां पे आपको दे दिया हुआ है ब्लॉक आफ्टर विच दे स्टिक टू इच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या करता है, स्टिक कर जाता है और वो मोशन करता है। तो अब जो मोशन होगा उसका एम्पलीट्यूड बताइए, टाइम पीरियड बताइए, या उसका आप क्या पोजीशन बताइए। यानी कि अब जो प्रॉब्लम है इसका पार्ट टू में कह रहा है कि इसको हम सॉफ्टली प्लेस्ड कर दिए हैं या जेंटली प्लेस्ड कर दिए हैं, तो अब बताइए। अब इसका कुछ ना कुछ आगे वेलोसिटी होगा, सपोज दैट v1 वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी मतलब एक एक करके इसका हम सारे पॉइंट, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दे दिया हुआ है और ये आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, और चार ऑप्शन इस टाइप से दिए गए हैं, और ये आपका केस वन है और ये आपका केस टू है, केस टू। अब ध्यान से देखिए, एक का वेलोसिटी v1 है, एक का वेलोसिटी v2 है,
तो आपको कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन फर्स्ट केस बाय फैक्टर दिस, वेयर एज इन सेकेंड केस इट्स रिमेन्स अनचेंज। अब क्या होगा, फ्रिक्शन तो आपको लेना देना नहीं है यहां से, म्यू दैट इज इक्वल टू जीरो एग्जैक्टली, हेयर म्यू इज ऑल्सो जीरो, दिस इज मासलेस मासलेस स्प्रिंग, ये भी आपका मासलेस स्प्रिंग है। तो इसका अगर हम टाइम पीरियड निकालते हैं, और क्या क्या पूछा है आपको, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, फाइनल टाइम पीरियड इन बोथ केसेस इन सेम, क्या दोनों में सेम होगा टाइम पीरियड, और सी पार्ट कह रहा है कि टोटल एनर्जी डिक्रीजेस इन बोथ केसेस, टोटल एनर्जी, और लास्ट वाले केस कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ कंबाइंड मासेस डिक्रीजेस इन बोथ केसेस। अब ध्यान से देखिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है और एक्स नॉट पे कंबाइंड मासेस डिक्रीजेस इन बोथ केसेस। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हम इसमें निकालेंगे, देखिए तो ये वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो इसमें हम सिंपल सा रूल लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें हम सीधा बेसिक यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब अगर हम ये देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाते हैं, तो पहले वेलोसिटी v1 था, जब इस पोजीशन से इस पोजीशन में जा रहा है, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम केस वन टू केस टू, सो m1 v1 प्लस, अगर इसका हम ले लेते हैं, दिस इज कैपिटल m, दिस इज कैपिटल m, सो दिस इज स्मॉल m। तो पहले कैपिटल एम है, इसके पास वेलोसिटी क्या है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, क्योंकि ये इसका कुछ ना कुछ ऑसिलेशन होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा, तो वहां से हम क्या लेंगे, एक लीनियर ले लेते, एक एंगुलर। क्यों लेंगे, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा हिंट आपको दिया हुआ है, व्हेन इट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, देयर इज नो लॉस इन फ्रिक्शन, सो एज वेल एनर्जी कंजर्वेशन तो बनता है लीनियर मोमेंटम। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो यहां से अगर हम निकालें तो m1 v1 दैट इज इक्वल टू कैपिटल m प्लस स्मॉल m, तो ये आप समझ लीजिए कि इनिशियल मोमेंटम, p इनिशियल p फाइनल हम यूज करते हैं, तो जब भी फ्रिक्शन ना लगे, तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट हम यूज करते हैं, वर्क पावर एनर्जी वाला है, p इनिशियल p फाइनल, यानी कि लीनियर मोमेंटम जो पहले होगा वही फाइनल में भी हो जाएगा, दैट इज v2, तो एक रिलेशन तो यहां से आ जाता है। अब क्या करें, अब दूसरा रिलेशन कहां से आएगा, अब ध्यान से देखें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, यानी बहुत काम आसान हो गया। अब हम फिर यूज कर देंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसमें L इनिशियल L फाइनल यूज करेंगे, तो M इंटू ओमेगा या I इंटू ओमेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा से तो मास है यहां पे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, मास इसका कैपिटल M है, इसके पास सपोज दैट इसका एम्पलीट्यूड A1 है, और ये ओमेगा 1 से ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, आप इसको नहीं कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसमें आप सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो एम इंटू कैपिटल ए, कैपिटल ए आपको क्या दे दिया था, इसका सिंपल सा बात है एम्पलीट्यूड दे दिया हुआ था, कि इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड प्लस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझिए, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये इसका एम्पलीट्यूड, सपोज दैट इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, A2, और इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा 2। तो एक इक्वेशन यहां से आ गया, जब फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे पी इनिशियल पी फाइनल लगा लिए, और एक यहाँ पे इसका सिंपल सा बात है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, इसका मास फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन में ये दोनों का मास क्या हो जाएगा, जेंटली प्लेस्ड है या सॉफ्टली प्लेस्ड है, जो भी है इसका यहां से आ जाएगा।
अब इसका बात करते हैं कि टाइम पीरियड, क्योंकि आपसे टाइम पीरियड भी पूछा है, एनर्जी भी पूछा है। एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर वी वन स्क्वायर। अब आपको पता है वी वन और वी टू के बीच में रिलेशन, तो वी वन दैट इज इक्वल टू सिंपली कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इंटू वी टू। सो वी वन वी टू में यहां से रिलेशन ले आएंगे। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। और टाइम पीरियड तो आपसे पूछ रहा है कि फाइनल टाइम पीरियड इन बोथ केसेस आर सेम। टाइम पीरियड होता क्या है, सिंपल सा बात है कि 2 पाई एम बाई के। तो एक के केस में तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली एम बाई के हो जाएगा, एम बाई के। और एक के केस में क्या हो जाएगा, मास डबल है, सो 2 एम रूट ओवर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई के। तो क्या कह रहा है कि फाइनल टाइम पीरियड इन बोथ केसेस इट्स सेम। क्या टाइम पीरियड सेम हो जाएगा, एम बाई के एक का क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो यहां से अगर के के तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि के क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर हम देखें इन यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी एनर्जी देखें तो हाफ एम बी स्क्वायर क्या वी वन वी टू के बराबर है, नोट एग्जैक्टली। तो वही कह रहा है टोटल एनर्जी डिक्रीजेस इन बोथ केसेस, टोटल एनर्जी। अब ध्यान से देखिए इसी पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, सिंपल सा बात है। एक दो ही एनर्जी यहां पे है, एक स्प्रिंग एनर्जी है और दूसरा आपका काइनेटिक एनर्जी है। तो वो पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस इन बोथ केसेस, क्या वो डिक्रीज करेगा। लास्ट में आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ कंबाइंड मासेस डिक्रीजेस इन बोथ केसेस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो v बराबर आपको क्या होता है, ओमेगा इंटू एक्स नॉट। तो यहां से अगर हम वेलोसिटी की बात, ov इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये आपका यहां से आ जाएगा। तो इसमें हम क्या देखें, इसको बस आगे हम थोड़ा सा आगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ, सो दैट इज मास, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वी दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू ए। तो यहां से ए वन इंटू ओमेगा वन दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए टू ओमेगा टू। तो ओमेगा वन और ओमेगा टू को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कैपिटल एम ए वन को ए वन रखें, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर के बाय एम कैपिटल एम, और ये आपका हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ए टू, इसको भी हम लिख सकते हैं यहां से ओमेगा टू यानी के बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम स्मॉल एम। और यहां से अगर ए वन और ए टू के बीच में रिलेशन, वही पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन यहां से अगर हम बात करें तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, एम से एम कैंसिल, सो ए वन और ये आपका आ जाएगा रूट ओवर यहां से एम इंटू के, और इधर आपका आ जाएगा रूट ओवर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये आपका हो जाएगा ए टू। तो इसको थोड़ा सा अगर इजी करते हैं तो यहां से एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए वन और ए टू में रिलेशन। तो ए वन ए टू में अगर रिलेशन यहां से आपका आ जाता है तो यहां से के कैंसिल, सो ए वन दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम दैट इज ए टू। तो यही पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन फर्स्ट केसेस और सेकेंड केसेस के बीच में, यही कह रहा है कि कैपिटल एम बाय इतना से क्या करें, ये फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल इससे ये मल्टीप्लाई कर लेंगे ए टू से, तो ए वन आ जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट यहां से आपका क्या आपको सही दिखता हुआ नजर आ रहा है कि यहां से ए टू का वैल्यू अगर निकालें तो ए टू डेट इज इक्वल टू यहां पे आपका आ जाएगा एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम
रूट इंटू ए वन, तो ए वन का इतना टाइम्स कर देंगे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। और आपसे क्या कह रहा है, फाइनल टाइम पीरियड इन बोथ केसेस, टाइम पीरियड क्या होता है, एम बाई के। अब ध्यान से देखिए, एक में आपका मास बोथ केसेस, तो एक बार टू पाई एम बाई के हो जाएगा, और इस केस में अगर हम बात करें कि दोनों में क्या टाइम पीरियड सेम होगा, अगर हम बात करें सी, क्या काइनेटिक एनर्जी टोटल टोटल एनर्जी डिक्रीजेस इन बोथ केसेस, तो डिक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में रिलेशन ये है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एक का बड़ा हो जाएगा एक का छोटा हो जाएगा, तो एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा, तो ये क्या कर रहे हैं, टोटल दोनों में क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, तो दोनों में डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि एक का वेलोसिटी अलग है दूसरा का वेलोसिटी अलग है। लास्ट में आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड स्पीड क्या होता है, v बराबर ओमेगा इंटू ए। अब ध्यान से देखिए, इस केस में अगर बात करें तो स्मॉल a दैट इज इक्वल टू कैपिटल a, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों एक ही साथ जा रहा है, तो ए वन ए टू दोनों बराबर हो जाएगा, एनर्जी भी आपस में बराबर होगा ई वन ए टू, क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो कैसे कह सकते हैं कि दोनों में डिक्रीजेस कर रहा है इन बोथ केसेस, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। अब इस केस में तो क्या हो जाएगा, जब ये दोनों साथ जाएगा तो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, ऑसिलेशन भी सेम होगा, और एनर्जी भी दोनों का सेम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगा, जिसके वजह से टोटल डिक्रीज करे ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट में पूछा इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ कंबाइंड मासेस डिक्रीजेस इन बोथ केसेस। अब ध्यान से देखिए, लास्ट वाला पॉइंट जो कि बहुत शानदार है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ओमेगा क्या चेंज करेगा, एम्पलीट्यूड तो चेंज करेगा, सिंपल सा बात है कि एम्पलीट्यूड ओमेगा का वैल्यू यहां से ए वन और ए टू के बीच में रिलेशन है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है ए वन और ए टू, कह रहा है कि कंबाइंड केसेस में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हाँ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कितना से करेगा, तो ध्यान से देखिए इसका वैल्यू ज्यादा है, एक का वैल्यू यानी कि यहां से आपको क्लियरली पता हो रहा है कि ये एक्चुअली में इसमें ये जो है वन से लेस देन है, तो वन से यानी कि ए टू इज ग्रेटर देन ए वन, तो एक अगर ज्यादा है तो यहां से आपसे कह रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड चेंज करेगा, यानी कि डिक्रीज करेगा, एग्जैक्टली डिक्रीज करेगा, सो ऑप्शन डी ए बी और डी इज राइट ऑप्शन। इसमें अगर हम देखें कि टू पाई एम बाई के होता है, और इसमें अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड क्या दोनों के लिए सेम लगेगा, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें ए बी और सी में रिलेशन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, और ये कह दिया है कि ये एक एसएचएम का इक्वेशन है, तो अगर ये एसएचएम का इक्वेशन है तो ए बी सी तीनों में आपस में रिलेशन बताइए, ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो आइए इसको अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, एक्स दैट इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी प्लस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा इंटू टी प्लस सी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब अगर इसको हम इस टाइप से थोड़ा सा डील करें तो इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और टू से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा एक्स ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ये आपका टू टाइम्स करेंगे तो सी बाई टू हो जाएगा और ये साइन टू ओमेगा टी के बराबर आ गया। सो दिस इज योर फर्स्ट केस। अब इसको अगर और थोड़ा सा अगर इस्तेमाल हम करें तो ए बी सी क्योंकि आ गया सी बाई टू, अब इसको थोड़ा सा और करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक बार डिफ्रेंशिएट करें और इसको अगर थोड़ा सा और इजी करने का कोशिश करें तो ए को ए ही रखें और साइन स्क्वायर थीटा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टू साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी और यहां भी टू से मल्टीप्लाई करते हैं टू बी कॉस स्क्वायर ओमेगा इंटू टी और ये आपका आ जाएगा सी बाई टू साइन टू ओमेगा इंटू टी। तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां से आपका आ जाएगा x का वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहां से 2 से भी मल्टीप्लाई किए, अब ध्यान से देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी a बाई टू
इसको हम लिख सकते हैं वन वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा, कॉस टू इंटू ओमेगा टी, और इसका हो जाएगा बी बाई टू, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू ओमेगा इंटू टी, प्लस सी बाई टू साइन टू ओमेगा इंटू टी। तो इस टाइप में अब हम इसको इस फॉर्म में लेके आ गए, ये इक्वेशन अब इसका वैलिड इक्वेशन है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी के टर्म में ले आए, क्योंकि स्क्वायर के टर्म में जब रहेगा तब तक तो हम नहीं कर पाएंगे काम, क्योंकि जैसे भी हम बात करते हैं एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इस टाइप के फॉर्म में रहे, या एक्स ए कॉस ओमेगा टी इंटू फाइव के टर्म में रहे, तब हम यहां से कर सकते हैं कि ये एस एच एम होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हम पहले इसको स्क्वायर को कॉस टू थीटा में कन्वर्ट कर लिए। अब यहां से आपका आ जाएगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस बी बाई टू, वन प्लस कॉस टू ओमेगा टी प्लस सी बाई टू साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर लिए, अब यहां से निकालना आसान है। तो यहां से आपका आ जाएगा ए, ये तीन ऑप्शन आ जाएगा। आप इसमें चेक कर लीजिए, आप इसमें कौन कौन सा है। सो इसको इसमें कन्वर्ट करना चैलेंज था।